नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि हम लगातार आपको ऐसी फोटो वीडियो दिखा रहे हैं जो हमें बहनों द्वारा प्राप्त हो रही है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों में इस समय पोषण माह के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हमने आपसे ये भी कहा था कि जो बहनें अगर चाहती हैं चैनल पर अपनी खबर चलवाना या फोटो वीडियो के तहत जो कार्यक्रम कर रही हैं वो हम तक जो है फोटो वीडियो भेज शेयर कर सकती हैं। इसी क्रम में देखिए दो जनपद से जो है फिलहाल आज हम वीडियो फोटो जो हमें शेयर की गई बहनों द्वारा वो हम दिखाने वाले हैं। और इसी के साथ ही मैं सबसे पहले आपको बता दूं दो जनपदों से तीन जगहों से फोटो आई है। दरअसल जनपद तो दो हैं लेकिन तीन जगहों से फोटो वीडियो प्राप्त हुई है जो कार्यक्रम हो रहे हैं। आप तस्वीर भी देख रहे हैं लगातार ये प्राप्त हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं हमें प्राप्त हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है जालौन के कदौरा बागी से ये हमें तस्वीर प्राप्त हुई। अनीसा खातून है इनके द्वारा भेजी गई है। ये आप तस्वीर आप देख रहे हैं इनकी तस्वीर है। इन्होंने अपनी भी देख रहे हैं पोषण अभियान और भी चल रहे हैं बच्चों की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर एक इन्होंने वीडियो भी प्रेषित की है। इस वीडियो में खास नहीं है संबोधन करते हुए दिखाया जा रहा है प्राप्त हुई इस तरीके चल रहा है दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर हमें वजन मशीन वगैरह भी देखने को मिलती है। आगे अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए और भी हमें फोटो वगैरह देखने को मिलती है। देखिए कार्यक्रम की फोटो है और ये उत्तर प्रदेश के जालौन कदौरा बागी की है फोटो और अन्य फोटो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए इन्होंने सर्वे की फोटो भेजी है किस तरीके से जो है सर्वे अभियान में सहभागिता कर रही है। नाम वगैरह लिखते हुए इन्होंने फोटो भेजी है और किस तरीके से जो है बहनें काम कर रही हैं ग्रामीण स्तर पर निचले इलाकों में। और ये सब तस्वीरें हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं। आप भी अपनी तस्वीरें वीडियो भेज सकते हैं चैनल पर। हम नंबर आपको लगातार दिखा रहे हैं इस नंबर पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें अपने फ़ोन वगैरह ना करें। व्हाट्सएप करके वीडियो फोटो भेजें अपना नाम और पता जरूर लिखें। अब यहाँ तो हमने जनपद जालौन के कदौरा बागी से खबर दिखाई आपको। अब दूसरी हम तस्वीर दिखाने वाले हैं जालौन जनपद जालौन के उरई से है और हम दिखाने वाले हैं कौन सी तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं। ये जो हमें प्राप्त हुई है जालौन के उरई से तस्वीर आप देख रहे हैं इनके द्वारा महिलाओं को जो आपको बता दें गोद भराई कार्यक्रम जो होते हैं संपन्न किए जा रहे हैं पोषण अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली जा रही है। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं सहभागिता कर रही हैं। बहुत बड़े स्तर पर जो है बहनें काफ़ी काम कर रही हैं और जिस तरीके से सरकार ने भी ऐलान किया था हाल ही में बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ऐलान किया था कि वह जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो अच्छी तरीके से काम करें जमीनी स्तर पर काम करें। और बाकी में जो इन तस्वीरों से स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि आंगनबाड़ी बहनें जमीनी स्तर पर काम कर रही है। देखिए किस तरीके से सामग्री रखी हुई है जो गोद भराई कार्यक्रम के दौरान दी जाती है और खाने पीने ये सब जो सामान आप देख रहे हैं सब पोषण युक्त सामान है। पीछे आप देख रहे होंगे केंद्र में यानी विद्यालय में ऐसे पोषण युक्त सब्जियों के कैलेंडर लगे हुए हैं और सामने जो है सामान भी रखा हुआ है। देखिए किस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं। आप भी हमें तस्वीरें वीडियो वगैरह भेज सकते हैं लेकिन क्वालिटी आपकी अच्छी होना चाहिए तभी हम जो चैनल पर चलाएंगे। ये आप देख रहे हैं कार्यक्रम की तस्वीर भेजी है और भी हम आपको दिखाई थे पुरानी ये तो आपके सामने बहुत पुरानी फोटो आ गई। चलिए आगे की दिखाते हैं नई। ये भी हमें तस्वीर भेजी गई है देखिएगा किस तरीके से। अब चलिए जनपद जालौन के उरई से हमने तस्वीरें दिखा दी। अब चलते हैं बलरामपुर। बलरामपुर से भी हमें कुछ तस्वीरें भेजी गई वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिएगा किस तरीके से इन्होंने फोटो में दिखाया हुआ है सामान दिया जा रहा है बच्चों को लगातार जो अभिभावक है उनको सामान दिया जा रहा है दरअसल और बच्चों के लिए भी है कहीं ना कहीं। और ये तस्वीर आप इन्होंने भेजी नाम इनका आंगनबाड़ी जो है अनुराधा सिंह परियोजना रेरा बाजार बलरामपुर इन्होंने तस्वीर भेजी है। और दूसरी तस्वीर भी जो है सामान देते हुए भेजी है कि किस तरीके से जो है लाभार्थियों को लाभ इस केंद्र पर दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सभी लाभार्थी जो है अपना अपना सामान लिए हुए हैं और इस दौरान जो है किस तरीके से आपको बता दें बहुत सारे जैसे कि आरोप लगते रहे कि आंगनबाड़ी बहनें जो है सामान नहीं बांटती हैं तो देखा जा सकता है कि लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामान बट रहे हैं गतिविधियों का भी आयोजन हो रहा है तस्वीरों से स्पष्ट तौर पर झलकता है। और हम आपसे तस्वीर और वीडियो की इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं बहनें भाई हमारे जमीनी स्तर पर उनकी सच्चाई देश भर तक पहुँचनी चाहिए। और इस तरीके से हमें दो जनपदों से तीन जगहों से जो है अलग अलग तरह की तस्वीरें प्राप्त हुई हैं वो हमने आपको दिखाई हैं। कमेंट बॉक्स में नंबर दे देंगे अगर आप भी अपनी तस्वीर चलवाना चाहते चैनल पर वीडियो चलवाना चाहते तो आप हमें अपनी वीडियो तस्वीर अच्छी क्वालिटी में जरूर भेजिएगा रिकॉर्ड करके ताकि किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए जो भी दर्शक हमारे देखें और सरकार के नुमाइंदे जो देखें तो उनको किसी प्रकार से देखने में प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल को दबाइए लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।